पंत के नाम से फंसा दिल्ली कैपिटल्स, बीसीसीआई ने दिल्ली को फटकारा, मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा नहीं है, वो इंजर्ड होने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम से बाहर हैं। लेकिन पंत के नाम की वजह से उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स इस आईपीएल बुरी तरह फंस गई है। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे बीसीसीआई ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फटकार लगाई है। दिल्ली कैपिटल्स ने लगाई पंत की जर्सी। जब दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला खेला, उस समय ऋषभ पंत उनके साथ मौजूद नहीं थे। ऐसे में ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण जब टीम का हिस्सा नहीं थे तो उनकी जगह डेविड वार्नर कप्तानी कर रहे थे। पंत के ना होने के बाद भी टीम मैनेजमेंट उनकी कमी को महसूस नहीं करना चाहता था। इसके लिए टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया था कि पंत की जर्सी नंबर 17 को हमेशा डगआउट में लटका कर रखा जाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट के इस फैसले से नाखुश है और बीसीसीआई ने दिल्ली कैपिटल्स को फटकार भी लगाई है। बीसीसीआई ने लगाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फटकार। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई इस फैसले से खुश नहीं है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस मामले में कहा है कि ये थोड़ा ऊपर लग रहा है। इस तरह का जेस्चर उस समय किया जाता है जब कोई बड़ी घटना या फिर कोई बड़ी त्रासदी घटी हो या फिर कोई खिलाड़ी रिटायर हुआ हो। इस मामले में ऐसा नहीं है। ऋषभ पूरी तरह से ठीक है और उम्मीद से ज़्यादा तेजी से चोट से बाहर आ रहे हैं, जबकि ये एक नेक इरादे से किया गया था। ऐसे में बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को भविष्य में इस तरह के जेस्चर करने को कहा है। क्या दिल्ली के मैच में आएंगे ऋषभ पंत? ऐसे में आपने सुन लिया कि बीसीसीआई ने दिल्ली कैपिटल्स को मना किया है कि वो जर्सी ना लगा कर रखे। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली में होने वाले दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में ऋषभ पंत मैदान पर आ सकते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि दिल्ली बनाम गुजरात के बीच होने वाले मैच में ऋषभ पंत के मौजूद रहने की जानकारी डीडीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी राजन मनचंदा ने एक दिन पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि इंजरी के बावजूद ऋषभ पंत अपनी टीम को सपोर्ट करने आ रहे हैं। वो दिल्ली कैपिटल्स के बड़े स्टार है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो मैदान पर नजर आएंगे तो उनका स्वागत दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करेंगे। तो सुना आपने, ऋषभ पंत मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स का हौसला बढ़ाने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी अच्छा प्रदर्शन कर अपना और अपने फैंस का हौसला बढ़ाना होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके से पहला मुकाबला लखनऊ से हारी उसने कई सवाल खड़े किए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। बल्लेबाजी में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन उन सभी खिलाड़ियों का क्या फायदा जब वो रन ही ना बनाए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ेगा। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, इन तीनों से बड़े अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर इनका बल्ला गरजा तो दिल्ली कैपिटल्स की जीत पक्की समझो, और अगर इन तीन खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया तो टीम आगे चलकर परेशान ही होती है। ऐसे में ऋषभ पंत टीम को सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो टीम को भी चाहिए कि ऋषभ पंत को जीत की खुशी दे और दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इस तरीके से ऋषभ पंत की जर्सी लटकाना दिल्ली कैपिटल्स का सही फैसला था? आपकी राय जो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।